नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर तहसील के ग्यारसपुर बस स्टैंड के अंदर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कमलनाथ सरकार के पिछले एक वर्ष के कामकाज और एक वर्ष में प्राप्त की गई उपलब्धियों को लेकर के एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से कमलनाथ सरकार के कामकाज और उनके द्वारा प्राप्त की जा रही उपलब्धियों को जनता के सम्मुख विस्तार से समझाया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस कमेटी के द्वारा बस स्टैंड ग्यारसपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कमलनाथ सरकार के एक साल पूरा होने पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से जन जन को उनकी योजनाओं एवं वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा कर आम जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है का बखान किया गया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए गंज बसौदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री निशंक जैन जी के प्रतिनिधि राजेश जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान जिस दिन कमलनाथ जी ने संभाली थी उसी दिन तय हो गया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदा होने वाली है। कमलनाथ जी ने प्रदेश की जनता को करके दिखा दिया और कांग्रेस की सरकार बनने के पहले जो वादे वचन पत्र में कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतृत्व ने आम जनता से किए थे उन वचनों को पूरा करने का काम भी सरकार एक वर्ष पूरे होने के बाद लगातार कर रही है। इसमें 365 दिनों में 365 वादे पूरे किए गए। किसानों के कर्ज माफ, कन्यादान, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, भूमाफियाओं पर अंकुश जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसमें आम जनता राहत महसूस कर रही। कार्यक्रम को वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघुवीर सिसोदिया, राशिद खान, सुदीप सिंह रघुवंशी, गजराज सिंह कुशवाहा, सरदार सिंह यादव, शैतान सिंह कुशवाहा, अनीस खान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को प्रदेश के महासचिव पवन पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि इस समय NRC लाने की जरूरत नहीं थी, यह लाकर मोदी सरकार महंगाई दर में GDP में हो रही कमी के कारण ध्यान भटकाने के लिए देश में ऐसे हालात पैदा कर रही है जिससे लोगों का ध्यान GDP की ओर ना जाकर NRC CAA में ही उलझ जाए। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। जो अमित शाह और एक है, एक मेल आर्मी दो मेल, तो यही कहते ना सत्यवंत सिन्हा जी। आप सोचिए ऐसे महान नेता सत्यवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, तमाम बड़े नेता इनका साथ छोड़ गए। क्या वो कांग्रेस ने साथ छुड़वाया? इनकी नीतियों से कपाते हो। आडवाणी जी को नाखून द्वारा व्यायाम करने के लिए मजबूर कर दिया, बैठे रहते हैं। मुरली मनोहर जोशी बैठे रहते हैं। सोचिए इनकी सरकार बनी, इनके पास इतने वरिष्ठ नेता, इतने पढ़े लिखे लोग थे, उनको मंत्री तक नहीं बनाया। मानव संसाधन मंत्री 8वीं पास, जिसको कुछ देश के विषय में पता नहीं हो, शिक्षा के विषय में पता नहीं हो। रक्षा मंत्री किसको आपने बना दिया? आपके पास DK जनरल थे, DK सिंह जी से जनरल थे, उनको नहीं आपने बनाया। तो आप समझ सकते हैं जिस आदमी की डिग्री कंप्यूटर से उस समय बन गई हो जब कंप्यूटर रहा ही ना इस दुनिया में, आप समझ सकते हैं इस तरह बड़ा झूठ। आप बताइए, आज आपका ग्यारसपुर में क्या कार्यक्रम तक, किस कार्यक्रम को लेकर आज आप जनता के बीच आए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए? अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस विभाग द्वारा और आदरणीय राज्यसभा सांसद हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री दादा राजमणि पटेल जी की मंशानुसार पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर गांव-गांव जाकर सरकार की जो जनहितैषी योजना है वह जनता के बीच रख रहे हैं और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं कि इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। आज भाई साहब, जिस प्रकार से आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी आपकी सरकार की बदनामी कर रही है, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, तो आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष का काम ही बदनाम करना। जब विपक्ष कोई काम अच्छा तो कर नहीं सकती है ना, अपना कुछ उन्होंने क्या किया बताने के लिए उन्हें जबरदस्ती वापस बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और किसान का कर्जा माफ़ कर रही है। जिस तरह खजाने की हालत थी, जिस विपरीत विषम परिस्थितियों में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, उसके बाद जितना कर रहे हैं वो अपने आप में मील का पत्थर साबित हो और पूरे किसानों का कर्जा धीरे धीरे माफ़ होगा। तो आप गांव-गांव जाकर के अपने जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी सरकार की जो
जो एक साल में जो काम किए हैं उनका किस प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे प्रचार प्रसार करने की देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम तो आए हैं प्रचार प्रसार अपने आप, जब किसान लाभान्वित होगा, लोगों का बिजली बिल, पहले किसान आत्महत्या करता था बिजली के बिल के कारण, उसका बिजली का बिल नहीं आ रहा है, तो आम किसान सब जान चुका है कि सब अच्छा हो रहा, फिर भी हम लोग लोगों को और जागरूक कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा इनके गुंड और फलेम में ना आए। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।